मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। एक जवान लड़की और एक 70 साल के बुजुर्ग की बुड्ढे की फोटो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि वो जवान लड़की 70 साल के बुड्ढे की दुल्हन बनी हुई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, सब चीजों के बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। जोड़े आसमान में बनते हैं, प्यार अंधा होता है। ये बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी कि प्यार में हर कोई कुछ कर गुजरता है और उसी के साथ प्यार में जो एज होती है उसकी लिमिटेशन नहीं होती है। ऐसा ही मामला जो कि प्यार में लिमिटेशन एज का नहीं रहा है, वो फोटो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एक जवान लड़की की और एक 70 साल के बूढ़े की जो कि शादी करके एक फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है। सोशल मीडिया पे जब ये फोटो आई और उसके बाद ये फोटो देखने के बाद लोगों के बीच में तहलका मचा हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये है क्या, ये हो कैसे सकता है, काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग ये बात कर रहे हैं कि लड़की कितनी जवान दिखाई दे रही है और जो वो बुजुर्ग आदमी है वो एक 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी है, ये कैसे सब चीजें हो सकती है। वैसे तो सोशल मीडिया पे ये चीज बोला जा रहा है कि ये अपोलो हॉस्पिटल का चेयरमैन है, और उसके बाद लोगों ने कुछ अलग अलग कमेंट करने शुरू किए। फिर उसके बाद निकल के सामने आया कि इसका नाम राजेश कुमार है जो कि आसाम से बिलोंग करता है। ये बहुत ही बड़ा एक बिजनेसमैन है जिसके बिजनेस काफी जगह पर फैले हुए हैं, और सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल पाई है इन दोनों के कारण। और पर इनकी जो शादी की पिक्चर है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लोग ये चीज बोल रहे हैं कि आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जो लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं वो लोग इसको काफी ज्यादा कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, और जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग सिर्फ ये चीज बोल रहे हैं कि शायद लड़की पैसे के पीछे आई है और जो वो बुड्ढा है वो लड़की की जवानी देख के आया है। उन दोनों के बीच में सिर्फ ये रिश्ता और प्यार का कोई रिश्ता नहीं है। तो गाइस आप लोगों को क्या लग रहा है, लोग अलग अलग तरीके से ट्रोल कर रही हैं, बातें कर रही हैं, तो इस शादी के पीछे सिर्फ रीजन यही हो सकता है बुड्ढा जवानी के पीछे और जो जवान है वो पैसे के पीछे। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।